हां जी, आप सभी को राम राम और एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ फिर से आ गया हूँ। और भाई, हमारी फैमिली की तरफ से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। हां जी तनु। हां जी, मेरी तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। होपफुली आप लोग अच्छे से इंजॉय करेंगे और फास्ट जो रख पाए प्लीज रख के देखिएगा, बहुत अच्छा फील होगा आप लोगों को। और मैं आपको माता रानी के भी दर्शन कराऊंगी और फिर हम आरती करेंगे साथ में। तो यहाँ पे भाई ये देखिए, यहाँ पे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की, सेटअप किया है। तो यहाँ पे तनु बताएगी एक बार, आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ जी तनु जी, आपने पूरा क्या सेटअप किया है बताइए एक बार जरा अपने दर्शकों को। हाँ जी, इसके अंदर मैंने जो लगाए हैं। हाँ जी, और उसको पत्तों से ढक के रखना है। ओके, जब तक वो ग्रो नहीं होंगे, छोटे छोटे ना, तब तक। उसके बाद यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह हैं, यहाँ पे माता रानी है, सांझी माँ, उनके भाई, और जो सब चीजें होती हैं वो सब लगी हैं। मतलब ये हमारा पुराना कल्चर है, ऐसे लगाते थे पहले, बट अब जो नई जनरेशन है या टाइम के साथ साथ हम माता रानी की मतलब सुंदर सुंदर मूर्तियां ये सब लगाने लग गए, वरना हाथों से बनाते थे मेरे घर में। तो वही हाथों से तो नहीं बन पाई उससे, वो तो हमारे साइड वो मिट्टी के जो बनाते हैं और जो... उसको कलर करते थे, सुखाते थे और स्पार्कलिंग और बहुत सुंदर सुंदर बनती थी। पहले तो ये फर्श पक्के भी नहीं होते थे, वो कच्चे फर्श होते थे, उसको लेपा जाता था पूरा। हाँ, गोबर से, गोबर और मिट्टी से मिला के। वो मैंने देखा है कि बनाते हैं मिट्टी से, सुखा के फिर उनको कलर करते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ माता रानी हमने लगाई है, ये हमारे मंदिर की माता रानी है, तो हमने इनको भी बैठा दिया साथ में। यहाँ पे जो चीजें हैं, मैं चीजें भी बता देती हूँ। माता रानी का श्रृंगार आपको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। कपूर है, यहाँ पे सुपारी है, और जो बचे हुए जो हैं, और ये मैं अखंड जोत जलाऊंगी पूरे नवरात्रि, तो उसकी जोत है। और जोत में मेरे हिसाब से तो तिल का तेल मैं यूज करती हूँ, क्योंकि ये सबसे शुद्ध होता है, मतलब देसी घी और सबसे अच्छा होता है ये। तो आप लोग भाई, सबके अलग अलग हिसाब होता है करने का यूज। यहाँ पे मैंने नारियल रखा है और इसको भाई दोगड़ बोलते हैं, बाकी दूसरों के यहाँ पता नहीं, मेरे को तो यही पता है। ओके, और बस ये छोटा सा सेटअप है, ये मेरा पूरा मतलब दुपट्टा मैंने यूज किया यहाँ पे, और ये कुछ मेरे मंदिर में ही लगी हुई थी, ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इसके साथ। और ये वही लाइटिंग है जो मैंने प्रवेश को सरप्राइज दिया था, उसको मैंने एड कर दिया। तो यहाँ पे भाई तनु अब अखंड जोत जला रही है, तो आप सब भी यहाँ पे भी माता जी के दर्शन कर लो। बाकी हम लोग आरती सब साथ, आपको भी लेकर साथ आरती करेंगे अभी थोड़ी देर में। एक बार ये जोत वगैरह जला देती है वो। तनु, यहाँ पे ये नीचे क्या जल रहा है? ये उपला है, उसके ऊपर मैंने सामग्री घी, लौंग, और ये क्या बोलते हैं इसको, दो चार चीजें हो रहे हैं। तो इसका मतलब किस लिए, किस लिए जलाते हैं ये? ये पॉजिटिविटी होती है मेरे हिसाब से तो, और बस यही है। अच्छा, आप तो वो भी कर लेते हो ना, यज्ञ वगैरह खुद? तनु को करना आता है भाई, क्योंकि भाई मेरी मम्मी आ रही है समाजी फैमिली से है, तो मेरी मम्मी एवरी संडे करती थी, मामा के घर भी एवरी संडे होता है अभी भी। ओके, तो दिखाओगे किसी दिन करके? बिल्कुल। चलो भाई, चलो भाई आरती कर लेते हैं, आओ आपको साथ लेके। तो भाई यहाँ पे अब पूजा वगैरह हो चुकी है कंप्लीट, और भाई फुल मजा आया अपना पूजा करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा अब तक। तो भाई जब घर में पूजा वगैरह होता है ना, ऐसा माहौल होता है तो पूरा मन लगता है, मतलब एकदम पॉजिटिविटी। तो हांजी तनु जी, इसमें क्या ले रखा आपने? अरे एक प्रसाद बनाया था ना जो आपको दिया और सबको दिया है। अच्छा, मैंने ना पूरा बॉक्स बना के रख लिया, देखो पास से लेके रहो। अच्छा अच्छा, इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, और ये एप्पल है। अच्छा, ड्राई जो एप्पल होता है वो छुआरे, मतलब अच्छा जो लेके आए थे उसको आपने पूरा मिक्स कर दिया। हाँ, ये मतलब पूरा चलेगा नवरात्रि, और ये रोज दिया जाएगा। अच्छा, तो अब आप फास्ट में क्या क्या खाने वाले हो वो तो शेयर करोगे सबके साथ? वैसे तो मतलब आज फर्स्ट डे है मेरा, तो फर्स्ट डे मैं वो नहीं खाती, नमक का नहीं खाती, मतलब मीठा, और मीठा मैं वैसे नहीं खाती हूँ मैं। आज ज्यादा मतलब दही या एक आधी बार चाय, और या फिर मखाने रोस्ट कर। तो बाकी मैं जो खाऊंगी मैं दिखा दूंगी। तो आज रात को बर्थडे भी है, तो मतलब कैसे क्या? किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे? मेरा तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब बर्थडे पे कैसे करोगे आप मैनेज? शादी हुआ, बर्थडे खत्म। अच्छा, वो तो माँ बाप ही सपने पूरे कर सकते हैं।
अच्छा मतलब पति पति कोई सपने पूरा नहीं करता। नहीं थी फीलिंग, मतलब मैं मेरे घर होती थी ना, मैं मेरे हॉस्टल में भी मेरे को पता क्या आदत थी, मैं अपने कजिन्स को फोन करके हाँ मेरा बर्थडे है, हाँ मेरा बर्थडे है। तो आज आप भी फोन कर लेना, आप फोन किसने अच्छी ना आपसे फोन, दो दो फोन है, दो दो फोनों से करना आप फोन। नहीं क्या अब तो बढ़ भी की फैमिली, अब अपने मतलब पापा को करना, ससुर जी को करना, सासू जी को करना, सासू जी मेरा बर्थडे है। तो यहाँ पे प्रवेश का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया, उनको देख के आऊंगी बस। चलो यू लाइक इट, थोड़ा भी गर्म है। तो यहाँ पे भाई मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, मिल्क विद बनाना सेट डाल दिया इसमें थोड़ा। हाँ डाल दिया, फ्लैक्स सीड्स हैं। हाँ फ्लैक्स सीड हैं भाई, बढ़िया हेल्थी ब्रेकफास्ट। मेरा फास्ट नहीं है इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो भाई चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ। तो भाई आप सब ने एक चीज नोटिस करी कि आज हम दोनों येलो येलो क्यों हैं? तो भाई इसके बारे में डिटेल से बताएगी तन्नु मेरे को, तो ये बात सुबह सुबह ही पता चली है। मैंने तो जब कपड़े इसने बेड पे रखे हुए थे पहनने के लिए, तो मैं सोचा आज वैसे ही रख दिया हुआ इसने ना, इसमें अच्छा लगता हूँ येलो में, मैं तो ऐसा गोरा गोरा दिखता हूँ देखो। तो बाकी भाई अब इसका लॉजिक बताएगी तन्नू लो। हाँ जी तन्नू जी बताओ। पता है क्या होता है, मतलब आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो फर्स्ट डे हम शैलपुत्री जो माता है उनकी पूजा करते हैं, मतलब मदर ऑफ नेचर भी उनको बोलते हैं, और उस दिन येलो पहनते हैं। मतलब येलो क्या शो करता है, हैप्पीनेस, जॉय इन आवर लाइफ है, ये सब चीजें येलो कलर शो करता है, ब्राइटनेस शो करता है। तो बस यही है कि मैं मतलब इंडिकेट्स जो कलर जिसको इंडिकेट करता है, मैं हर बार वही कलर पहनती हूँ। मतलब फर्स्ट डे येलो कलर पहनूंगी, कल कुछ और पहनूंगी, मतलब फिक्स है वो मेरा। तो आपको मेरे साथ मजबूरी में पहनना पड़ेगा वही कलर। अच्छा तो मतलब नौ के नौ दिन ये कलर वाइज कपड़े पहनने हैं। हाँ, जैसे आज शैलपुत्री माता को जैस्मिन फ्लावर बहुत पसंद है, तो ऐसे ही सबका अलग अलग चॉइस है। तो जो 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 थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे को पता है बस। बाकी भाई हर जगह पे अलग अलग पूजा होती है मेरे हिसाब से, आप सब बताना कमेंट्स में कि भाई आपके यहाँ, जैसे भाई व्यूअर्स अलग अलग जगह से हैं, कोई कर्नाटका से है, कोई कहीं से है, कोई पाकिस्तान से भी हैं, तो पाकिस्तान वाले भी नवरात्रि मनाते हैं तनु? पता नहीं मनाते होंगे। तो आप कमेंट में बताना भी पाकिस्तान में भी नवरात्रि मनाते हैं क्या, और बाकी कहीं किसी में भाई किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बताना वो सब। तो यहाँ पे भाई मैंने प्रवेश के लिए भी खाना तैयार कर दिया, तो फास्ट वाला ही खाना आज मैं लेके आई हूँ। बाकी रोटी की हालत देखो, बनी नहीं रही है मुझसे, टूटे जा रही है ये खाना। ले आओ ले आओ भाई खाना, आ गए पहले ही, भूख लगी हुई है। अरे दिल वाला पराठा, वाह ये दिल वाला पराठा है तो ये रोटी बर्थडे आपका पराठा मेरे को दिल वाला मिल रहा है, क्या बात है। अरे रोटी टूट गई वो, मैं सोचा दिल वाला पराठा बनाया है कुछ भी। तो यहाँ पे भाई तन्नू अब अपना जो खाना है फास्ट वाला वो शेयर कर रही है कि वो क्या क्या ले रही है। हाँ जी तन्नू जी बताइए। मेरा एक छोटा सा बॉल है, इसके अंदर मैंने दही ली है और इधर राइस, वो सॉरी आलू है। आलू ये विदाउट नमक, इसमें नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं है? नमक है, सिंधा नमक अच्छा वो डाला है जो फास्ट वाला है। बाकी मैंने इनको भी फास्ट वाला ही खाना दिया, बट उनको मैंने कुट्टू वाली रोटी बना के दी है, बट वो मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं सिर्फ यही खाती हूँ। ये मेरा फेवरेट मील है फास्ट का। मेरा तो फिनिश हो चुका। अच्छी थी? हाँ एक नंबर। अच्छा टेस्ट अलग आता है ना फास्ट वाले खाने में। सही है, बढ़िया है, लाइट ये रोटी मेरे को टाइट टाइट लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है। हाँ वो बनती है, मुश्किल से बनी है। हाँ ये वैसे होता है ना बाजरे की तरह आटा। चलो भाई आप लोग बताना कि आप लोग क्या क्या खाते हो। क्या सोना सोना हो रहा है तुम्हारा दोनों का? हाँ जी क्या है ये सारा दिन अपने घर में नहीं जाना तेरे को? ना ये यही रहता है भाई, इसको गोद ले लिया हमने। चलो अपने घर जाओ, अपनी मम्मा पास जाओ। नहीं नुकहप नुकहप देखा है तो मेरे को सोना आता है इसको। हाँ बताओ। नहीं आता उसको सोना, नहीं आता मेरे को सोना, नहीं आता। ऑफिस नहीं जाना आज आपको? नहीं आज ऑफिस नहीं जाना, आज हम मस्ती के मूड में फुल रेस्ट करेंगे आज। किस खुशी में? खुशी में क्या, बस आज ऐसे ही हम रेस्ट करेंगे आज, हमारा फास्ट है तुम्हारा करने का। अरे वैसे ही रेस्ट करेंगे आज हमारा, बहुत काम कराया, झाड़ू कटका हाँ सब करवा लिया तुमने, हमसे पोछा झाड़ू सब। अच्छा क्या बिहाइंड द कैमरा आपने सब करवाया हमसे, बर्तन भी धुलवाए। शर्म नहीं आ रही ना झूठ बोलते हो? आज हमें नींद आ रही है, सोने डिस्टर्ब मत करो हमें।
जाओ उनको अब सोने दो, सोन दो, नो नो यस नो यस। आजकल आजकल सारी मेरी मान। अच्छा ये क्या, ऐसे क्या सब्सक्राइब कर दो हैं? ऐसे 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 बोलो नुका, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो नुका, बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो नुका, ऐसे करो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो नुका। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ बोलो नुका, मैं कैसा लग रहा हूँ? इनका नाम क्या है, ये कौन है जिसके पास लेटे हुए हो? तो भाई ये सब पूछ रहे हैं कमेंट में कि डूडू कौन है। तो डूडू भाई हमारे नेबर हैं, नेबर हैं, उनका बच्चा है। चलो बाय बाय, मैं सो जाऊं मैं, बाय। तो भाई यहाँ पे अभी शाम के 5:30 हो रखे हैं और मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, अपने लिए, मेरे लिए, अपने लिए बनाई थी। वैसे आपने मेरे मेरी चाय में से मार ली चाय। नहीं भाई, सो के बाद आज मैं ना, सो के बाद क्या मतलब, आज अच्छे से सोया खूब, दिन में कोई दिन के बाद सोया हूँ, आज दिन में इतने रिलैक्स वाले नहीं, तब काम धाम। आप बेड पे ही हो आज सुबह से, सेवा ले रहे हो, करनी चाहिए मेरी, और ले रहे हो आप? ना ना, मैं नहीं ले रहे हो, रेस्ट कर रहा हूँ, पूरा पूरा रेस्ट नहीं, ऐसी कोई बात। और भाई ये मेरा, मैं चाय के साथ आलू की चिप्स हैं जो सॉल्टेड नहीं है, प्लेन चिप्स हैं ये। तो ये मेरा लास्ट मील है, इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी, 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ फास्ट में। तो बस यही है आज का व्लॉग। कुछ बोलना चाहोगे आज व्यूअर्स को? आई होप भाई आपने खूब एंजॉय किया हुआ व्लॉग को, तो आपने भी बहुत अच्छे से अपना नवरात्र जो है। आप स्टील के ग्लास में आज चाय क्यों पी रहे हो, आपने नोट नहीं करी ये चीज? आज फास्ट है, फास्ट के टाइम पीते हैं ना। और यहाँ मेरी अपनी कटोरी, लेकिन जो फास्ट वाला तो वही पिता, आपने वैसे ही डाल के दे दी। मैंने आपको आज पूरी फील करवाई फास्ट, फास्ट की जबरदस्ती रखवा दिया मैंने इनको फास्ट। बस सुबह ओट्स खाया था, बाकी उन्होंने पूरा जो मैंने खाया वही सेम चीजें खाई हैं। तो इनडायरेक्टली फास्ट हो गया आपका। चलो भाई इस वीडियो को करते हैं यही एंड, उससे पहले एक बार माता रानी के दर्शन कर लो। ये लो भाई, आप सभी भी ब्लेसिंग्स लो और एंजॉय करो अपना दिन और अच्छे से सब सेलिब्रेट करें। और भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खूब मजे करो, बाय, लव यू, टेक केयर।